और जो भी यहाँ पर ई श्रम कार्ड आप तमाम लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं वो साथ में नेशनल हेल्थ कार्ड भी बना लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सर। यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे बीच में आरोग्य जागृति एसोसिएट का एक बोर्ड लगा है, उम्मीद की है किरण एक लड़ाई कैंसर के खिलाफ, आप हमें आवाज दो हम आपके बीच आ जाएंगे। जी हाँ, ये हमारे शेख अफसर साहब का एक मेहनत है कैंसर के मरीजों के लिए, जो आरोग्य जागृति की जरूरत की तारीफ से के चलाया जाता है। और इसका काम यह है कि आज मोहल्ला मोहल्ला शहर शहर जिला जिला पूरे भारत में महाराष्ट्र में उसकी जनजागरण किस तरह से कैंसर आपको ना हो, किस तरह से आपका सर का साया न, आपको बीमारी से बचाया जाए, ऐसी कोशिश हमारे जनाब शेख अफसर साहब बार बार कर रहे हैं। मुफ्त में पूरी कोशिश होती है यहाँ पर, जैसा के जैसा आ जाता आ जाता। जैसा कि हम जानते हैं हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर शेख अफसर साहब की ये कोशिश है कि ये जो कैंसर की बीमारी का जो मालूमात है वो आखिरी ग्राउंड लेवल तक जाए और आप लोगों को इस बीमारी से दूर रह सके। और अल्लाह ने कहा किसी को ये बीमारी हो गई है और किसी के पास ये मरीज है तो उनके लिए भी हमारे डॉक्टर साहब जो है तो उनके जो बीमारी का जो इलाज होता है उसके लिए हमारे डॉक्टर साहब उनके तरफ से उनकी काउंसलिंग भी करते हैं और उनको गवर्नमेंट की स्कीम जाने की कोशिश भी करते हैं। तो ये आरोग्य ये पूरी मुहिम चलाई जाती है। तो मैं आपसे कह रहा था कि किस तरह से ये छोटे बच्चों को भी बीमारी लग रही है। मेरे साथियों, हम जब इस बीमारी को लेकर लोगों के बीच में गए तो हमने सुना कि एक 12 साल की बच्ची को एक 11 साल की बच्ची को गाल का कैंसर हो गया। जब हमने उसकी तहकीकात की कि इस बच्ची को क्या कैसे क्या कैंसर हुआ गाल का, ये बच्ची ने तंबाकू खा दिया है ना, कुछ नशा करती है ना, बाहर खाती है ना, पान सिगरेट खाती पीती है, फिर ये बच्ची को कैसे क्या बीमारी हुई। तो जब हमने सर्च किया तो हमको मालूम पड़ा कि इसके बच्ची के वालिद जो है तो वो जो है जो बाहर खाते थे यानी कि गुटखा यानी सिपारी और तंबाकू मिलाकर जो गुटखा बनता है वो खाते थे। हेलो, वो गुटखा खाते थे लेकिन वो जो उसके वालिद थे बच्ची को जब सुबह होता थी तो बच्ची को बाहर लाने के लिए पान की टपरी पर भेजते थे। वो बच्ची पान की टपरी से पान लाते। मेरा नाम नेहा अब्दुल अजीज पटेल है। नेहा हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन होने वाला है कल। यहाँ पर सभी तरह की बीमारियों का इलाज होगा, जैसे बच्चों की, औरतों की, बूढ़े लोगों की, सर्दी खांसी बुखार। और हमने कैंप रखा है हॉस्पिटल की इब्तिदा से पहले, ये कैंप में भी सब मतलब सर्दी बुखार खांसी का इलाज होगा। गरीब तबके के लिए कैसे मतलब डिस्काउंट में मेडिसिन है, 10% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट और 70% डिस्काउंट से हर मेडिसिन के ऊपर, मतलब उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और पैसों का ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा।